वालेकुम सलाम। हाँ, हमारे ये डॉक्टर मोहसिन आबिदी साहब हैं, औरंगाबाद के मशहूर डॉक्टर हैं और सभी के लिए हमदर्दाना भी वो रहता है इनका रवैया। मैं थोड़ी सी उनसे गुजारिश करूँगा, पहले अपना नाम पता फ़ोन नंबर वगैरह ये कह दीजिए, फिर थोड़ा सा अपने ख्याल का इजहार कीजिए। एक पाँच दो या तीन मिनट में आपका तारुफ करा दीजिए। बिस्मिल्लाह जी। मेरा नाम डॉक्टर मोहसिन आबिदी है। मैं पिछले 20 साल से औरंगाबाद, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में प्रैक्टिस करता हूं। मेरा जो है यहां पर एक 30-30 बेडेड हॉस्पिटल है सहारा हॉस्पिटल के नाम से। मैंने MBBS के बाद MD की डिग्री किया हूं और पिछले 20 साल से औरंगाबाद में प्रैक्टिस करता हूं। और आपके कुछ ऐसे ख्याल कि भाई सोसाइटी के लिए और लोगों के लिए और सब डेवलपमेंट के लिए कुछ आपके इजहार ख्याल कीजिए इस मामले में। जी, मैं समझता हूँ, मेरा जो है ये दिली ख्वाहिश है कि कौम के बच्चों ने तालीम के अंदर जो है सबसे आगे रहना चाहिए। तालीम एक ऐसी चीज़ है जो हमको ऊपर लेके जाने वाली है। और हमारे माशरे के अंदर जो है मैं देख रहा हूँ, महसूस करता हूँ कि हम पढ़े के मामले में जो है काफ़ी पीछे रह गए हैं। आज की जो है दुनिया की जो रफ्तार देखते हुए हमारे कौम के बच्चों के लिए जो है ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि वो जो है दौड़ते हुए जो है दुनिया की रफ्तार के अंदर जो है शामिल हो। अब इसमें डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये फाइनेंशियली जब ये अपनी सोसाइटी बहुत कमज़ोर है तो उसके लिए भी क्या सोसाइटी में हम कर सकते हैं कि ये फाइनेंशियली साउंड हो ताकि एजुकेशन भी हासिल कर सके। जी नहीं, मुझे लगता है कि ये हमारे लिए यही चेक ज़रूरी है कि हम जो है अच्छी तालीम हासिल किए करें। अच्छी तालीम हासिल करने के बाद हमारे बच्चे जो है अच्छे ओहदे पे गए और अच्छे जो है कामयाब अगर हुए तो हमारी कौम जो है धीरे धीरे जो है फाइनेंशियली जो है डेवलप हो सकती और हमारी कौम का जो है डेवलपमेंट हो सकता। मेरा ये कहना है कि भाई अब जो क्रीम ऑफ द ये सोसाइटी उनके भी कुछ फ़रायज़ है कि भाई जो डाउन ट्रॉडन है उन तक अप्रोच होना चाहिए कि नहीं कि भाई अनटच रहने से भी हो रहा है ना। पहले के मुकाबले में जो है आज के दौर में जो है बच्चों के जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे आगे जाना चाहते उनके लिए फाइनेंशियल हेल्प तो बहुत जगह से आती है। वो मसला नहीं है आज के दौर में, सिर्फ इतना है कि हमारे बच्चे जो है दौड़ने को तैयार नहीं है। नहीं, एक दूसरी बात ये कि उनको कोई गाइडेंस और ये भी नहीं मिल रहा है कि कहाँ अप्रोच हो कुछ होना, ऐसा कोई एक अपने पास कोई ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। जी जी, जो बच्चों को जो है कैरियर के बारे में जो है सजेशन दे सके। हाँ, सजेशन दे सके वो लोगों को जो तो क्लियर गाइडेंस होना चाहिए। और ऐसा नहीं, हमारे पास जो है ये हमारे कौम में जो है ये क्या एक ये चीज़ नहीं है बिल्कुल। हमने जो है जो बच्चे एटलीस्ट जो बच्चे पिकअप होने वाले हैं, जो बच्चे होशियार है, हमने उनको उठा के उनको जो है गाइडेंस दे के उनके पीछे जो है थोड़ा सा पैसा खर्चा करके उनको जो है आगे बढ़ाना चाहिए। और दूसरी एक बात डॉक्टर साहब ये है कि आप हेल्थ के उसके लाइन के हैं तो आजकल जो तो प्राइमरी हेल्थ अपने जो है तो फैमिलीज में इसमें देखते नहीं, बाद में मर्ज बढ़ गए बाद जो है तो अप्रोच होते हैं, तो उनके लिए भी कुछ गाइडेंस कि भाई आप प्राइमरी हेल्थ इज़ वेल्थ। हमारे लिए सेहत सबसे ज़रूरी है और जैसा हम जो है जब हमारे पास जो है दौलत आती हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, हेल्थ वैसी चीज़ है उसका जो है हमारी जो है हेल्थ ख़राब होने से पहले हमने उसका प्रिकॉशन लेना चाहिए। हर किसी के लिए चाहिए क्या रेगुलर एक्सरसाइज करे, खाने के ऊपर जो है कंट्रोल रखे, नॉन वेज का इस्तेमाल कम करे, वेजिटेरियन डाइट ज़्यादा यूज़ करे, खाने में फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करे और अपना रेगुलर बॉडी चेकअप करवाते रहे। और अक्सर क्या होता है कि भाई आजकल जो फैमिली रिलेशन होते हैं, हाँ, मियाँ बी के झगड़े वगैरह ये भी क्या मर्द के इसमें जो है वो करते हैं कि जी जी यानी आज के दौर में हर किसी की ज़िंदगी ये तनाव भरी हो गई है। हमारे अतराफ में चाहे हम जो है जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, हमारे अतराफ का जो माहौल है आप किधर का भी ले लीजिए बहुत तनावपूर्ण हो गया है और हमने उस सीखना चाहिए क्या उस तनाव को जो है हम ऐसा कैसा कोप कर सकते हैं। मैं आखिर में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई आपके पास किस किस्म के पेशेंट्स आपसे रेफ़र कर सकते हैं
और आपके पास आ सकते हैं जी। हम लोगों के पास जो है शुगर, बीपी, जिनको हार्ट का मरीज है, पैरालिसिस है, हमारे पास जो है जो सीरियस पेशेंट्स है हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं। अच्छा अच्छा, आपके पास समझिए आईसीयू यूनिट वगैरह सब कुछ है, सारी सहूलतें आपके पास जी। सिचुएशन आपके दवाखाने का जो है ये हमारा हॉस्पिटल जो है सहारा हॉस्पिटल सेंट्रल नाके के करीब में वीआईपी फंक्शन हॉल के पीछे है। कुछ कॉन्टैक्ट नंबर आप दे सकते हैं? हॉस्पिटल का नंबर है 0240-230-231। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके से जो जो मालूम मुझे, इंशाल्लाह आपसे लोग कांटेक्ट करेंगे और आपसे गाइडेंस भी हासिल करेंगे जी। खुदा बताएंगे कि टैबलेट तो गोली है लेकिन आपको डैमेज करेंगे और थोड़ा आपके देख लेते हो जी। शुक्रिया।